अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको खुश आमदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे, साथ कैरियर के साथ होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो अल्लाह ने जो मौसम बनाया उनको भी एंजॉय करना चाहिए। आज मैं जो आपके लिए लेकर आई एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप की रेसिपी है, डिफरेंट एक मैं आपको एक अहम चीज़ बता रही हूँ जो बहुत कम लोगों को पता होगी। पिज्ज़ा तो सब लोग खाते हैं, ब्रेड भी खाते हैं और घर में बनाने की कोशिश भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो कुछ ना कुछ आप लोग जितना भी अच्छा परफेक्ट पिज्ज़ा बना लें जो हम बाहर से जाके खाते हैं, बाहर से पिज्ज़ा मंगवाते हैं, जो घर में बनाते हैं उसकी जो ब्रेड होती है उसके फ्लेवर में थोड़ा सा फ़र्क होता है, बिल्कुल सेम नहीं होती। उसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा चेंज होता है और जो सॉफ्ट होती है, सॉफ्टनेस होती है वो भी उसके अंदर नहीं होती। उसके अंदर एक सीक्रेट चीज़ होती है, वो डलती है, वो बहुत कम बताते हैं। मुझे भी कुछ दिन पहले उसके बारे में पता चला तो फिर मैंने पूरा सर्च किया, फिर मैंने वो चीज़ मंगवाई। अच्छा जी, रमज़ान के दिनों में मुझे पता चला तो रमज़ानों में तो बाज़ार जाना बहुत मुश्किल होता है, वैसे वो जो चीज़ें बेकरी का जहाँ आइटम मिलते हैं वहाँ पर वो मिल जाइए आसानी के साथ, तो मैंने ऑनलाइन मंगवाई। अब मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। देखिए जी, अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये मैंने यूज़ किया है, पहले मैंने इसका तजुर्बा किया उसके बाद मैंने किया, तो ये यूज़ आप जब आए तो आप इसको जो है एयर टाइट जार में डाल के अपने रख दें। ये है हमारा ईका पाउडर 300। ये लाजमी कोई भी ब्रेड की रेसिपी होती है, ब्रेड की चीज़ें होती है, ये उसके अंदर डलती है। इसके बगैर हमारी ब्रेड अच्छी नहीं बनती और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता। एक दफ़ा ये आ जाए तो ये सिर्फ एक चमचा डलता है, एक किलो मैदे में सिर्फ एक चमचा ये डलता है और इससे बहुत ज़्यादा ब्रेड वगैरह चलती है। और इसकी जो एक्सपायरी डेट भी है ये इस पर भी 2 साल तक की है, तो हम 2 साल में इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। बस इसको आप इस्तेमाल करें, इसमें से ढकिए और इसको एयर टाइट जार में आप डाल के इसको रख दें। आज मैं आपको इसका इस्तेमाल बताऊंगी कि हम ईका पाउडर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से जो है ना हमारी ब्रेड पिज़्ज़ा हर चीज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और बहुत ही, आप जब इसकी चीज़ें बना के खाएंगे तो आपको एक अलग ही टेस्ट आएगा। चलिए जी, अब मैं अपनी आगाज़ करती हूँ। पहले मैं डो बनाऊंगी, फिर इसी डो से मैं आपको अलग अलग 3-4 तरह की चीज़ें बताऊंगी कि आप हर चीज़ इससे बना सकते हैं। और ये सिर्फ 1 किलो में 1 चमचा डलता है। देखें, अब आपने इसको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल के बाद इस तरीके से किसी भी एयर टाइट जार में आप डाल के रख दें कि इसके अंदर हवा नहीं जाए, तो ये बिल्कुल सेट रहेगा। 2 साल की इसके अंदर है एक्सपायरी डेट है इसकी, और अगर कम हो, अगर आपके खानदान में शौकीन हो ये बनाने के, तो आप इसको आपस में बांट भी सकते हैं। अब मैं अपनी डो तैयार कर रही हूँ। ये डो हर चीज़ के लिए चलेगी, आप इससे ब्रेड भी बनाएं, पिज़्ज़ा भी बनाएं, बन भी बनाएं, बर्गर भी बनाएं, आप जो कुछ इससे बना सकते हैं सब चीज़ें इससे बन सकती है। ये मेरा 1 किलो मैदा है, मैंने इसको अच्छे तरीके से छान लिया है। अब मैं आपके इसका सामान बताती हूँ, इसमें क्या क्या सामान डलेगा। अब इसके अंदर डलेगा 1/2 कप, ये 6 चमचे के करीब ऑयल है, 1 चमचा नमक है, 2 चमचे चीनी है, अंडा ऑप्शनल है, अंडा आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं और दूध भी आप डाल सकते हैं पानी की जगह, अगर आपकी मर्जी है। और ये ईस्ट है, क्योंकि ये 1 किलो है तो हम इसे पूरा डालेंगे, अगर आप 1/2 किलो ले तो इसमें से आप 1/2 ऐड करेंगे, ये हम पूरा डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, चीनी आप किसी भी यूज कर सकते हैं, चीनी अभी मेरे पास किसी भी थी नहीं, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। बस आप इसको थोड़ा सा हल करके इसमें डाल दें, ये बस जब तक हल हो मैं इसको फिर डालती हूँ। ये नमक, ऑयल, अब यह हमारा ईका पाउडर है, ये 1 चमचा डालूंगी मैं। 1 चमचा इस तरीके से, आप जो खाने वाला होता है ना इसको आप इस तरीके से लेवल करके डालिएगा। ये देखिए, ये हो ना 1 चमचा, इस तरीके से ये हमें इसमें डालना है। अब इसको हम हाथ के हाथ फोल्ड करके अच्छे तरीके से अपना अंदर रखेंगे।
अब ये जो हमने चीनी अपने हल की थी थोड़ी सी इसमें बाकी है, मगर ये सब इसमें हो जाएगी। और अंडा है, अंडा आपकी मर्जी आप डालें या ना डालें, अंडे के बगैर भी बन जाता है और अंडा ऑप्शनल है। और आप चाहें तो इसको दूध में भी गूंद सकते हैं और आप इसको पानी से भी गूंद सकते हैं। तो हम जो है ना इसको पानी से गूंदेंगे, दूध से नहीं गूंदेंगे। अब हमने जो मैदा था ये डो थी हमने पूरी रेडी कर ली है। अभी देखिए इस तरीके से ये है। अब हमें इसका अगला करना है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट तक अच्छे तरीके से इसको गूंदेंगे। तो ये जो हमारी टेबल है ये इसको हमने साफ कर लिया था, ये इसके ऊपर सिर्फ मैदा ही गिरा हुआ है। इसको हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब इस पे इसको तेल डाल के अच्छे तरीके से हमें गूंदना है। इसको 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से करना है। इसको हम जितना ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा अच्छी हमारी डो होगी। अभी देखें मैंने डो को अच्छे तरीके से 10 मिनट तक किया था। डो ये देखें किस कदर नरम है हमारी। अच्छा डो का क्या होता है, जब ये सेट हो जाती है तो ये तकरीबन हमारी जो टेबल है जो जगह है वो साफ हो जाती है। अब देखें टेबल पे थोड़े बहुत के अलावा नहीं है, टेबल बिल्कुल हमारी साफ हो गई। अब मैं इसको किसी भी चीज में राइज होने के लिए रख दूंगी। जब ये हमारी राइज हो जाएगी, राइज होने के बाद मैं आपको इसकी आगे की सूरताल बताती हूँ। हमारी डो राइज हो गई है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। वाह किस कदर जबरदस्त हमारी डो राइज हुई है। अच्छा डो के लिए हमेशा डबल बर्तन रखा करें ताकि जब वो फूलती है तो उसको जगह मिल जाए। ये देखिए अच्छा, पहले हम इसकी एयर निकाल देंगे। ये देखिए अभी देखिए इसकी एयर निकाल दे। अब मैं जगह पे आटा डालूंगी थोड़ा सा और मैं डो को निकालूंगी। थोड़ा सा हम डो को और करेंगे एक दफा हल्का सा और। अब मैं इसके हिस्से कर लूंगी, जो जो हमें बनाना है पिज्जा वगैरह जो बनाएंगे उसके हिसाब से मैं इसके हिस्से कर लूंगी। अब ये देखें ये हमारे गोला कबाब है और ये मेरा आलू का मसाला है। इन दोनों से मैं बर्गर बन बनाऊंगी जो भी भले आप उसको इसी में डो से बनाऊंगी। अब फिलिंग आपकी मर्जी, आपको जो दिल चाहे आप वो डालें। मैंने अभी ये दो चीज़ें रेडी की है आपको बताने के लिए और इससे जो मैं बनाऊंगी ना डिश उसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह बाद में आपको तफसील के साथ दूंगी। हमारा कैसा ज़बरदस्त बना है, इसका टेक्सचर देखें बहुत ज़बरदस्त और इसका जायका भी बहुत अच्छा है। चलो करो अब ये देखें, अब मेरे चॉकलेट वाले इसको मजेदार, ये देखें किस कदर अच्छे लग रहे हैं ये। अब ये देखें जी, अब हमारे बन बिल्कुल रेडी हो गए, जबरदस्त से बहुत गर्म है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से इतने सॉफ्ट हैं, आप इनका टेक्सचर देखें। मुझे यकीन है आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छा मैं इसकी रेसिपी आपको अलग से वीडियो बना के दूंगी, पूरी बाकायदा से अलग से वीडियो। अभी तो हम सिर्फ इका पाउडर के बारे में आपको बता रहे हैं। सही ये देखिए, अब मैं आपको काट के बताती हूँ। माशाल्लाह इतनी सॉफ्ट है ये देखिए, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसका जो टेक्सचर है और जो इसकी खुशबू है ना ज़बरदस्त। ये
मुझे यकीन है आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी प्रेस कर दें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस होगी तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा और आपको पता चल सकेगा अगर आसान ज़िंदगी ने एक कोई न्यू वीडियो अपलोड की है और जिसमें आपका ही कोई ना कोई फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी तरीके से कोई अच्छी सी कोई न्यू वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।